हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और झड़ झड़ के ये हाल हो गया है, तो ये रेमेडी आपके बालों को जड़ों से ही बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, घना बनाती है और बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी बनाती है। बालों का झड़ना तुरंत रोक आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के साथ बहुत ही ज़्यादा लंबा और घना बनाती है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सारी ही चीज़ें आपको घर से इजीली मिल जाएगी। अगर आपके बाल जड़ों से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करेगी। पहली बार में इसके अमेजिंग रिजल्ट है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें, बिकॉज आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम एक अनियन को ले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेना है, उसके जूस को हम सेपरेट कर लेंगे। अनियन जो है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। ये जड़ों से ही बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। टूटना झड़ना पहली बार में ख़त्म कर आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड हेल्दी हेयर देने में हेल्प करता है। अनियन जूस में होता है रिच इन सल्फर, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं कंघा करते वक्त या नहाते वक्त, तो अनियन जूस जो होता है वो आपके बालों की ग्रोथ के साथ साथ जो है आपको हेल्दी हेयर देने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। एंड सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, अनियन जूस के हमारे हेयर पे इतने सारे फायदे हैं कि अगर आपका गंजा भी सर है तो वहाँ पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है। गाइज, उसके बाद हमने यहाँ पे अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसको भी कद्दूकस अच्छी तरीके से कर लेना है। उसका भी जूस को जो है हम सेपरेट कर लेंगे, जो अनियन का जूस है उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंजर जो होता है, अदरक जो होता है, इसका जूस हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आप लोगों को बता दूं, अनियन जूस एंड जिंजर जूस जो है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट है हमारी फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपको बाल बिल्कुल आपके नहीं बढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा जड़ों से ही कमज़ोर है, गिरते हैं झड़ते, तो जिंजर जूस जो है अमेजिंग वर्क करता है। अगर वक्त से पहले आपके बाल सफेद हो गए हैं, ग्रे हो गए, तो उसको भी ये रोकता है। बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर ईची सा स्कैल्प है, उसको भी ये बहुत ही अमेजिंगली रोकता है। एंड हेयर लॉस अगर आपको बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें अमेजिंगली वर्क करता है। एंड ये आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपके बालों को जड़ों से ही बहुत ज्यादा मजबूत करता है। गाइस, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन की कुछ बूंदे हम इसमें ऐड करेंगे। लेमन आर हाई इन विटामिन सी, विच कैन हेल्प टू बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, विटामिन सी में होता है, लेमन में होता है विटामिन सी भर भर के, जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो वो जड़ से खत्म कर देता है। एंड सबसे जो अच्छी चीज है, ये अनियन की एंड जो जिंजर की स्मेल को भी खत्म कर देता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। गाइस, कैस्टर ऑयल जो होता है वो गंजे सर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है। एंड कैस्टर ऑयल के हमारे हेयर पे अमेजिंग बेनिफिट है। कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। ये आपके डैंड्रफ को ख़त्म करने के साथ साथ जो है आपके स्कैल्प की इरिटेशन को ख़त्म करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये गंजे सर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। गाइस, आप सभी लोगों को पता है कोकोनट ऑयल के हमारे हेयर पे कितने सारे फायदे हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। नेचुरली आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं होने देता। तो आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस पैक को बनाना है, अपने हेयर पे अप्लाई करना है हाफ एन आवर के लिए, एंड नॉर्मल वाटर से जो है माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है। आप देखोगे कि पहली बार में आपके बालों का झड़ना गिरना बंद हो गया है, चाहे नहाते वक्त चाहे कंघा करते वक्त। बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जो है मजबूत करता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शाइन देता है। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।